बड़ा मजा आता है, ताजा ताजा गरम नहीं चीन से जलेबी ने का पूरा करके, ये टोनी जहाँ से लाते हैं ना वो भी मैं बताया ना अच्छी है। शाल बाय बाय करो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। और ये मेरा सैटरडे का व्लॉग है, मुझे कुछ कैंट में काम था, मैं अपने अब देवर की तरफ आई हुई हूँ। पहले ये मेरे देवर की क्यूट सी बेबी है माशाल्लाह, इसका नाम इशाल है और बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत नॉटी है ये। और जी हम खा रहे हैं समोसे, दही भल्ले, फिर बनाया सूप, सर्दी में तो फिर सूप का सबसे ज़्यादा मज़ा आया था। और ये दही भल्ले और समोसे भी यहाँ के बहुत मज़े के होते हैं। और देवर के घर से तकरीबन 6 बजे हम लोग निकल गए थे, क्योंकि मुझे बेसिकली आई मैं कैंट काम के लिए थी, कुछ काम थे टेलर पे, मैंने एक्चुअली में जाना था, एक शॉप पे भी जाना था, वीकेंड था तो रश भी बहुत ज़्यादा था, मुझे टेलर पे काम था, टेलर पे भी और कुछ पार्ट्स वगैरह भी लेने थे मनी प्लांट्स के लिए। सो तकरीबन 2-3 घंटे तो हमें लग गए थे। ये मेरे टेलर के पास एक शॉप है और यहाँ पे बहुत डिफरेंट वैरायटी होती है, स्पेशली मुझे इनके पॉट्स बहुत अच्छे लगते हैं, एक्सपेंसिव हैं लेट्स कर लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छी और डिफरेंट चीज़ें थी इनके पास और बहुत अच्छी कलेक्शन थी इनके पास, पॉट्स बहुत अच्छे थे, ये मुझे अच्छे लगे थे। लेकिन इनके फ्लावर्स जो उनसे ना आर्टिफिशियल फ्लावर्स कोई अच्छी क्वालिटी के भी नहीं थे, और मुझे वैसे भी ओरिजिनल जो उनसे ना फ्लावर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो हम मनी प्लांट्स के लिए देख रहे थे। और ये मेरे हस्बैंड ने जो पकड़ा हुआ है इन्हें बहुत अच्छा लगा था तो ये भी हमने लिया था, और दूसरे भी मुझे एक दो बड़े अच्छे लगे थे, और कह रहे थे कल भी जो ज़्यादा वैरायटी है वो कल उनके नेक्स्ट डे आनी थी संडे को, लेकिन फिर भी अच्छे काफ़ी अच्छी मिल गई थी चीज़ें इनकी शॉप से। और भी डेकोरेशन पीस बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं जो है ना स्टैचू वगैरह इस तरह की चीज़ें वगैरह नहीं लेती। ये फ्रिज के मैग्नेट्स थे, ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे और मैंने 2 इसमें लिए भी थे। ये भी बहुत अच्छा था, ये इसकी प्राइस थी 1300। इस तरह का मैं ऑनलाइन भी देख रही हूँ और वो विदाउट थोड़ा डिफरेंट है डिज़ाइन उसका, वो 2000 का है, मुझे था ये लूँ और उस पर मैं मनी प्लांट्स लगाऊँ। अब मुझे हो रहा कि मैं अब नेक्स्ट डे जाऊँगी ना तो फिर लेकर आऊँगी ये। आई थिंक फाइबर के बने हुए थे ये, सिरामिक के नहीं थे, फाइबर के थे या मेटल के थे, अब मेरे बिल्कुल इस वक्त जहन में नहीं है कि इसकी किस चीज़ का बना हुआ था ये। और ये जी नगीना जरी हाउस में आई हुई थी, कैंट सदर में शॉप है, उनके पास काफ़ी डिफरेंट वैरायटी होती है कराची से, वेलवेट बहुत ज़्यादा, वेलवेट की शॉल्स बहुत अच्छी आई हुई हैं 6000 से लेकर 3000, लेकिन ज़्यादातर इनके पास अच्छी वाली हैं तो वो 6000 की है। और ये नेट के दुपट्टे न्यू आए थे इनके पास, काफ़ी अच्छी इनके पास वैरायटी होती है। और तो शादी आ रही थी, मैंने सोचा चलो देखती हूँ कुछ अच्छा मिल जाए।
ये न्यू इनके पास कलेक्शन आई थी दुपट्टा दुपट्टा दुपट्टों की, कॉटन नेट पे थे। और इनके आप शर्ट भी चाहें तो सिलवा सकते हैं, कलर्स बड़े अच्छे थे। मुझे ये ब्लैक बहुत अच्छा लगा था, मैरून मेरा एक मैंने रॉ सिल्क का लिया, तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि अब ये ले लूँ। आई थिंक 1200 का था शायद जी। तो ये है नेक्स्ट डे और मैं इस वक्त अपने डिनर की कर रही हूँ तैयारी। और डिनर में मैं बना रही हूँ वेजिटेबल राइस मटर आलू गाजर के साथ, और ये बहुत ही मज़े के बने थे। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे बहुत अच्छे बने। और बेसिक स्पाइस वही, इसमें मैंने हल्दी ज़ीरा इसमें ज़्यादा डालती हूँ, इसमें सूखा धनिया और रेड चिली फ्लेक्स, नमक, और ये बहुत मज़े के बने थे। और सर्दियों में वैसे भी वेजिटेबल राइस बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ चीज़ें उस दिन मैं ग्रॉसरी में जो भूल गई थी वो ले आई हूँ मैं, ये रेड चिली पाउडर में जो होती है, ये मिक्स हर्ब्स हैं, स्पेगेटीज का एक, और साथ में एक एल्बो जोन सी मैक्रोनी, मुझे वही अच्छी लगती है ज़्यादा वो। और मेरा पिज़्ज़ा बनाने का मूड हो रहा है, और ये काजल की वजह से मेरे हाथों पे काजल लग गया, सिर्फ वॉश करने के बावजूद भी उतर नहीं रहा। और ये बेसन और चीनी, अब फाइनली सब चीज़ें आ गई थी। और ये प्याज भी रेड हो रहा, प्याज को मैं अच्छी तरह रेड करूँगी क्योंकि मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी थोड़े कलर में अच्छे लगते हैं। और ये साथ साथ मैं स्पाइसेस भी ऐड कर रही हूँ। एक टीस्पून मैंने फुल भड़कीन था डाला, थोड़ा सा मुझे कम लगा था बाद में क्योंकि आज दिल कर रहा था थोड़ा सा स्पाइसी खाने को, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं थे लेकिन बाद में मैंने थोड़ा सा और ऐड किया था। हल्दी से कलर बहुत अच्छा आ जाता है इसलिए मैं हल्दी ज़्यादा ऐड की है। सब स्पाइसेस मिक्स करने के बाद मैंने वेजिटेबल भी मिक्स कर दी। और ये जी यम्मी यम्मी से राइस, वेजिटेबल राइस बिल्कुल रेडी थे, कलर भी बहुत अच्छा आया था और खाने में भी ये बहुत मज़े के थे। साथ मैंने ज़ीरे का रायता, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च डाल के बनाया था। और मेरी यम्मी घर में शुरू से हम इसके साथ ज़ीरे का रायता और कबाब, साथ मैंने कबाब भी फ्राई कर लिए थे, और डिनर हमारा बिल्कुल रेडी था। दोपहर को हमने सूप पी लिया था सो इसलिए हम डिनर ही किया था, संडे को नाश्ता भी लेट होता है तो इसलिए मैंने आज खाना थोड़ा लेट ही बनाया था। डिनर बिल्कुल रेडी है, अब हम डिनर करते हैं। और ये कबाब और रायता, और साथ मैंने सैलड में आजकल मूली और गाजर, प्याज वगैरह हम लोग कम यूज़ करते हैं, कर भी लेते हैं लेकिन कम। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।